75वें वर्ष का ध्वजारोहण शान मान सम्मान के साथ सरपंच राकेश कुशवाहा द्वारा किया गया। छतरपुर जिले में मैं 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी विद्यालय एवं घर घर में तिरंगा लगाकर राष्ट्रध्वज का सम्मान किया गया। जिले की अंतर्गत नेहरू पार्कचंद नगर में ग्राम पंचायत सरपंच राकेश कुशवाहा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं छात्राओं ने राष्ट्रगान गाकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर के प्राचार्य हरीश कुमार रेकवार, गाँव के गणमान्य सीता शरण अग्निहोत्री, महेश सैनी, नत्थूलाल नाई, जयराम तिवारी, गणेश दत्त पटना एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहे रमेश चंद जैन जी आदि गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरपंच राकेश कुशवाहा द्वारा 75वां गणतंत्र दिवस की सभी ग्राम वासियों को एवं शिक्षक बंधुओं तथा स्कूली छात्र छात्राओं एवं मीडिया को शुभकामनाओं के साथ बधाई दी। वहीं संस्था प्रमुख हरीश कुमार रेकवार जी ने ग्रामीणों को शुभकामनाओं के साथ लोगों को बधाई दी। वहीं गाँव के लोगों ने एक लिखित आवेदन सभी लोगों से मैं सरपंच राकेश कुशवाहा को अवगत कराया है कि गाँव के बीच में देसी शराब एवं मांस मदिरा की दुकानें हैं, उनको हटाए जाने की मांग की है, जिस पर सरपंच राकेश कुशवाहा द्वारा कहा गया है कि शासन के निर्देशानुसार मांस मदरा एवं दारू की दुकानों को हर संभव हटाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं संत संचालक रमेश चंद्र जैन द्वारा कार्यक्रम में अपनी कविता सुनाकर लोगों का मन मोह लिया। मौसम खराब होने के कारण संस्कृत कार्यक्रम नेहरू पार्क में आते नहीं हो सके। संपादक रवि कुमार गुप्ता, चंदनगर बमीठा गंज, राजनगर ब्लॉक। क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? हमारे विद्यालय हमारा विद्यालय क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हमारे यहाँ के अधिक से अधिक बच्चे भाग लिए, जिसमें एनसीसी और एनएसएस के बच्चे कनेक्ट करते हुए यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। उनके लिए लोगों को कहते हैं और बाहर उधर से आने वाली हमारी जो सब्जियां हैं पढ़ने के लिए आती है वो पढ़ने वाले अलग है, इसके अलावा नागरिक महिलाएं पुरुष सभी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं जिन्हें एक अपमान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ये आम जनता के बीच में आज 15 अगस्त के बीच में सरपंच साहब के सामने तमाम लोगों के सामने सरपंच साहब को ये प्रयास करना चाहिए, ये घोषणा करना चाहिए कि शराब का ठेका और वहाँ लगने वाली मांस अंडे मछली और शराब की दुकानें हर हालत में बंद होना चाहिए। इसी के साथ ये जानकारी मेरे हाथ में है, फिर आवेदन कलेक्टर SDM तहसीलदार पंचायत चौधरी तमाम विभागों को दिए गए हैं। इसका समर्थन निश्चित रूप से मेरे ख्याल से जनता ने किया है और ये बड़ी गंभीरता का विषय है कि गांव के बीच में शराब का ठेका, गांव के बीच में मछली शराब और अंडे की दुकानें लगती है, ये बड़ी बेसब्री की बात है। निश्चित रूप से पहले कदम के रूप में सरपंच साहब से मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूँ कि वो इसको प्राथमिकता के आधार पर लें।